नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके बेबी रेनियम में सॉइल में अगर कोई कीड़ा मकोड़ा लग जाए, इंसेक्टिसाइड लग जाए, और तो उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बेबी रेनियम मात्र 60 दिन का ही है और इसका ग्रो भी अच्छा है, थोड़ा स्लो हो गया है ग्रो। तो इसमें हम काउडंक देने वाले हैं कुछ दिन में, तो मैं सिर्फ काउडंक का ही ज़्यादा उपयोग करता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो इसकी अगर सॉइल में अगर कोई कीड़ा मकोड़ा लग जाए तो उसको कैसे आप हटाएंगे, कैसे रिमूव करेंगे, कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सा दवा देंगे जिससे इसके सॉइल में जो भी कीड़ा मकोड़ा है वो हट जाए और पेड़ हरा भरा रहे, कोई बीमारी नहीं लगे और ग्रो इसका अच्छा हो। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे बेबी एडेनियम है और ये भी है, ये 60 दिन का ही मात्र है दोस्तों। तो मैं सोचा क्या इसमें कीड़ा वगैरह लग रहा है, इसमें चींटी वगैरह चल रहा है दोस्तों, तो मैं सोचा क्या इस पर इसका ट्रीटमेंट करके इस सारे प्लांट को बचाया जाए, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा इसके जड़ को खा जाएगा दोस्तों, और खा जाने के बाद ये प्लांट रूट रॉट होने लगेगा दोस्तों। इसका जड़ मीठा होता है जिस कारण से कीड़ा मकोड़ा लग जाता है और उसको रूट को वो खाने लगता है और पेड़ भी इसका धीरे धीरे डैमेज होकर वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा एम्ब्रेल क्रॉन है जो बहुत ही अच्छे शेप में हो गया है, ये जमीन के अंदर धंस गया है दोस्तों, पॉट के नीचे। ये देखिए दोस्तों, एम्ब्रेल क्रॉन, और ये है एम्ब्रेल ब्रेसलेट। ये देखिए दोस्तों, ये मतलब साल भर का ही है ये प्लांट, ये ज्यादा दिन का नहीं है दोस्तों। ग्रो इसका बहुत ही अच्छा हो गया है और देखिए इसका सॉइल में भी थोड़ा बहुत कीड़ा मकोड़ा लग गया है। शायद मेरे मोबाइल में आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन चींटी वगैरह इसमें दोस्तों, ये देखिए चींटी वगैरह चल रहा है, इसके अंदर में चींटी लग गया है दोस्तों बहुत सारा, और चींटी इसके अंदर अंडा भी दे दिया है, तो जिस कारण से जो है ये ग्रो नहीं कर पा रहा है अच्छे से दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, मार्केट में आप जाइएगा और थाइमेट के नाम से, ये देखिए थाइमेट के नाम से ये एक इंसेक्टिसाइड कीड़ा मकोड़ा मारने का दवा आता है दोस्तों। ये 1 kg का पैकेट लिए हैं दोस्तों, ये 60 रुपीज़ में पड़ा है और इसका दाम है 120 रुपया, और ये मुझे 60 रुपया में ही मिला है दोस्तों 1 kg। और ये दोस्तों बहुत ही हार्ड होता है, मतलब ये जहर पॉइजन है दोस्तों। अगर इसको अगर हाथ से आप छूते हैं तो 2-3 बार आपको सर्फ या अच्छे से शैम्पू से, हैंड वाश से इसको 2-3 बार धोना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का ये होता है थाइमेट। ये दाने मतलब ग्रेनुअल फॉर्म में आता है दोस्तों, दाना दाना सा ऐसा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये महीन महीन दाना व्हाइट कलर का आता है, ये देखिए ब्लू कलर में भी आता है, ब्लैक में भी आता है, ये छोटा छोटा महीन महीन दाना में आता है दोस्तों। और ये बहुत ही बहुत महकता है दोस्तों, इसका जो एसेंस है बहुत ही मतलब ये है, महकने वाला है दोस्तों, पावरफुल एसेंस है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अगर इसको आप छुएंगे तो हाथ को आप धोना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा हाथ में भी लेके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा, महक से सारा कीड़ा मकोड़ा भाग जाएगा और दोस्तों जो भी अंदर में इंसेक्टिसाइड वगैरह होगा वो मर जाएगा। और इसमें थोड़ा सा इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट भी मिला हुआ है ताकि कीड़ा मकोड़ा मरने के बाद भी प्लांट आपका हरा भरा रहे। तो दोस्तों देखिए, आपको लेना कितना है एक प्लांट के लिए दोस्तों, एक चुटकी, ये देखिए एक चुटकी मैंने ले लिया है, 15 से 20 दाना होगा, और ये सॉइल में चारों तरफ से दोस्तों ऐसे करके आपको दे देना है दोस्तों, घुमा घुमा के चारों तरफ से ये दे देना है। और ये स्लो रिलीज है दोस्तों, ये बहुत देर से गलता है। देखिए दोस्तों, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा आप दे देना है, इसमें छोटा प्लांट हो, बेबी प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, सब में भी आप दे सकते हैं, तो कीड़ा मकोड़ा चींटी वगैरह नहीं लगेगा। ये देखिए दोस्तों, तो सारे में थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों साइड से
दे दीजिएगा, पत्ता पे नहीं दीजिएगा दोस्तों, ये गर्म होता है, अगर पत्ता पे रह गया तो ये गलने का इसमें चांस होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके एक एक चुटकी इसमें दे देना है दोस्तों, पत्ता पे नहीं दीजिएगा दोस्तों, अगर पत्ता पे देंगे तो ये जल जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये क्या करना है दोस्तों, एक एक चुटकी से ज्यादा नहीं देना है दोस्तों, ये जहर है और ये घुलनशील नहीं है, ये इसमें घुलने में टाइम लगता है और ये बहुत गर्म होता है दोस्तों। ये देखिए सारे में दे दिए हैं दोस्तों, देखिए ये मात्र 60 दिन का ही बेबी एटेनियम है दोस्तों, और इसका ग्रोथ देखिए कितना फास्ट हो गया है दोस्तों, अच्छा ग्रोथ हो गया है। और एक बात और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई प्लांट को रिपोर्ट करिएगा तो सॉइल में भी ये थाइमेट आप एक चम्मच, छोटा चम्मच से टीस्पून, जिसे चाय में हम लोग चीनी डालते हैं, छोटा स्पून होता है, तो एक चम्मच पर पॉट के हिसाब से अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो सॉइल में पहले से दे के मिला लीजिएगा, और उसके बाद क्या करिएगा दोस्तों, अच्छे से मिला लेने के बाद तब रिपोर्ट करिएगा दोस्तों। एक पॉट में मतलब इतना सारा भी दे देंगे तो काम चल जाएगा दोस्तों, छोटा चम्मच इतना दे देना है एक पॉट में, सॉइल में जब सॉइल आप रेडी करेंगे उस वक्त ही देना है दोस्तों ये थाइमेट। और जो भी बेबी एडेनियम है, ग्रो नहीं कर रहा है या कीड़ा मकोड़ा लग रहा है दोस्तों, तो उसमें भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कीड़ा मकोड़ा को हटाएगा दोस्तों, जितना भी जर्म्स है सारे को ये रिमूव कर देगा, वो इसके एसेंस से वो मर जाएगा दोस्तों। तो भी कुछ मेरे पास बड़े प्लांट है, मैं उसमें भी आपको दे के दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कुछ बड़े प्लांट है, इसमें भी मैं ये थाइमेट ये थोड़ा थोड़ा करके मतलब सॉइल में दे रहा हूँ दोस्तों, जड़ से हटा के दोस्तों। ये देखिए, ये इसमें दे दिए हैं दोस्तों, इसमें भी चींटी लगने वाला था, क्योंकि कोकोपीट मीठा होता है दोस्तों, और मीठा होने के कारण इसमें चींटी वगैरह बहुत मतलब लगने का चांस रहता है। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये मेरे कुछ प्लांट में चींटी लग रहे हैं, और ये मैं थाइमेट दूंगा, देते ही ये एक से दो दिन में मतलब एक से दो दिन में ही सारा चींटी गायब हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो आप थाइमेट का उपयोग करिए दोस्तों, थाइमेट से ये चींटी वगैरह तुरंत भाग जाएगा दोस्तों, इसके महक से ही भाग जाएगा। ये देखिए, देखिए दोस्तों एकदम बिंदास यूज करिए दोस्तों, अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा लग रहा है आपके प्लांट में पॉट में तो आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों कितना सारा चींटी है जो पॉट के अंदर घुस रहा है दोस्तों। ये देखिए, सपोर्ट के अंदर घुस रहा है, सभी में मैं थाइमेट अभी दे दूंगा दोस्तों। तो ये देखिए, इसमें भी चला गया है, बहुत सारे प्लांट के भीतर सॉइल में भी ये चींटी घुस रहा है दोस्तों। और ये देखिए, ये मेरा एडेनियम है, देखिए कितना इसका कोडेक्स खूबसूरत लग रहा है देखने में दोस्तों। ये देखिए, इसका शेप ही चेंज हो गया दोस्तों, ये नीचे की तरफ झुक गया एडेनियम। ये देखिए दोस्तों, और एक बार चींटी में फिर से दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए, सारा घर बना लिया है दोस्तों इसमें, इसके अंदर में। तो ये सब अगर चाहते हैं कि नहीं लगे चींटी वगैरह पॉट में सॉइल में, सॉइल में, तो आप दोस्तों ये थाइमेट का यूज करिए दोस्तों। थाइमेट का जैसे ही यूज करेंगे, ये सारा कीड़ा मकोड़ा दोस्तों ये भाग जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पॉट के अंदर घुस रहा, अपना घर बना रहा है, अंडा लेके जा रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों,
ये देखिए दोस्तों, तो आप हटाना चाहते हैं अपने एडेनियम में या कोई भी प्लांट में, तो आप थाइमेट का बेहिचक यूज करिए दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैं सारे में, ये बेबी एडेनियम है, सारे में मैं सॉइल में भी देने वाला हूँ थाइमेट, मैं सारे में दे दूंगा। देखिए ये सब में दूंगा। ये मेडूजा है, ये डबल पेटल में है, और ये मेरे कुछ रोजी वैरायटी के भी प्लांट है। ये देखिए, तो सारे में मैं अभी थाइमेट देने वाला हूँ दोस्तों। ये देखिए इस टाइप का दोस्त चीटी, दोस्तों चीटी घर बनाने का कोशिश करेगा दोस्तों। ये देखिए, ये चीटी में क्यून है दोस्तों, ये रानी चीटी है। ये चीटी अगर जिस पॉट में चला गया उसमें बहुत सारा चीटी वगैरह आ जाएगा। ये रानी चीटी माना जाता है, क्यून एंड बोला जाता है इसको। इसके कारण ही दोस्तों इसके पीछे पीछे बहुत सारे चीटी आ जाते हैं और ये घर बना लेते हैं पॉट में। तो ये देखिए दोस्तों, सारे में मैं देने वाला हूँ। ये देखिए, और इधर भी मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, इस सब में भी ये सीडलिंग है, ये इसमें भी मैं वही करूँगा दोस्तों, सब में थाइमेट दूंगा दोस्तों, ताकि कोई फंगस नहीं लगे। और इसमें एक वाइट, देखिए इसमें वाइट महीन महीन छोटा छोटा कीड़ा होता है कोकोपीट में, वो लग जाता है, उड़ के इधर चला जाएगा फिर उधर जाएगा। छोटा सा महीन महीन कीड़ा होता है जो जल्दी आपको दिखाई नहीं देगा, वाइट कलर का होता है दोस्तों। और इसमें ये होगा कि थाइमेट देंगे तो इसमें माइट्स वगैरह भी पत्ते में नहीं लगेगा, उसके इसके महक से, अगर इसमें थाइमेट नीचे में देंगे तो इसके उसका जो महक होगा ऊपर तक जाएगा, और उस कारण से भी है कि माइट्स का अटैक नहीं होगा दोस्तों, माइट्स से आपका बचा रहेगा बेबी सीडलिंग। ये देखिए दोस्तों, मैं सारे में अभी देने वाला हूँ ताकि चींटी और कीड़ा मकोड़ा से ये बचा रहे दोस्तों। ये देखिए, सारे में मैं अभी दे दूंगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा, एक एक चुटकी देना है, ज़्यादा भी नहीं देना है दोस्तों। ये देखिए, और इस सारे सॉइल में भी मैं अभी देने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि चींटी का अटैक, देखिए सारे प्लांट में मेरे चींटी लग गए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जितने भी मेरे पॉट हैं सारे में चींटी लग गया है दोस्तों। ये देखिए, सारे में चींटी का इसमें अटैक है दोस्तों, चींटी इसमें घर बना लिया है दोस्तों। ये देखिए, चींटी का ये घर है, इसी घर में चींटी रहता है दोस्तों, और सारे प्लांट को ये डैमेज करने वाला है। तो इससे पहले ही दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, थाइमेट का यूज करूँगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो सारे में मैंने थाइमेट दे दिया है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मतलब दे दिए हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक एक चुटकी दे देना है दोस्तों साइड साइड से, ताकि कीड़ा मकोड़ा का अटैक नहीं हो और रूट रॉट नहीं हो दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो थाइमेट पे, और आप मार्केट से जाइए और इसका जो है पिक्चर आप दिखाएंगे फर्टिलाइजर शॉप में, तो फर्टिलाइजर वाले ये आपको दे सकते हैं। इसमें अलग टाइप के भी होंगे तो वो दे देंगे, लेकिन ये ज़्यादा कारगर ये होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये फोरारेट जी 10% होता है, जो एसेंस का काम करता है, मतलब इंसेक्टिसाइड को भगाने का काम करता है दोस्तों। और ये ग्रेनुअल्स में आता है, ये देख लीजिए दोस्तों, ये जहर है दोस्तों, आप जब भी डालें तो हाथ वगैरह धो ले। तो ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में काव डंक के बारे में जो बताया था कि काव डंक में कैसे इसको काव डंक इसमें दिया जाए, तो उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं दोस्तों। और मेरा बहुत सारा अभी वीडियो आने वाला है जो सीड्स पे ही होगा, सीड्स ग्रो पे। तो अभी मैं सागरिका में कुछ दिन के बाद, एक दो दिन के बाद सागरिका में कैसे सीड्स को ग्रो किया जाता है, वो भी वीडियो मैं अभी बहुत जल्द लाने वाला हूँ दोस्तों, आप उसमें भी ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, ये रहा आज का वीडियो कीड़ा मकोड़ा पे, इंसेक्टिसाइड पे। तो बेहिचक आप डालिए दोस्तों, ये थाइमेट ग्रेनुअल फॉर्म में आता है और बहुत अच्छा कारगर होता है ये दोस्तों, किसी भी प्लांट में आप दे सकते हैं, तो चींटी वगैरह नहीं लगेगा। देखिए जैसे ये चींटी घूम रहा है, अभी थोड़ा देर के बाद ये इसमें नजर नहीं आएगा दोस्तों। ये देखिए,
सब चींटी निकलना शुरू हो गया दोस्तों। मैं इसमें थायमेट दिया था और सब चींटी निकलना शुरू हो गया महक से ही। ये जल्दी काम करता है, मतलब फास्ट काम करता है दोस्तों, तुरंत क्विक सर्विस होता है इसका। देखिए ये सारा चींटी बाहर निकल के भागना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप ही लोग को फ़ायदा होगा। चैनल से जुड़े रहें दोस्तों।